दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग की हम सभी वेट कर रहे हैं और काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड क्या कहा है वो भी सब इस न्यूज़ के अंदर है तो पूरी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट Uh, मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इस सब के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा चलिए अब जो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है इसमें कहा गया है एज द कंट्री ग्रेपल्स विद अ स्ट्रॉन्ग सेकेंड कोविड वेव स्टेट्स वोंट द सेंटर टू अर्जेंटली कन्वीन अ मीटिंग ऑफ जी एस टी काउंसिल तो स्टेट्स का कहना है विच हैज़ नॉट मेट फॉर लास्ट सिक्स मंथ से अभी जी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई है जैसा कि हम सभी जानते हैं दिस कम आफ्टर द कोर्स फॉर रेट कट्स ऑन की मेडिसिन एंड इक्विपमेंट ग्रोस लाउडर स्टेट ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस जो स्टेट्स हैं उनका कहना है कि ये जी एस टी काउंसिल मीटिंग होनी चाहिए फॉर द कंपनसेशन पीरियड अंडर द जी एस टी रिजीम बियउ जुलाई ट्वेंटी टू इन द काउंसिल मीटिंग अब मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है वो भी हम देखेंगे अभी बात करें हैं स्टेट्स की जो स्टेट्स की तरफ से डिमांड आई है डिमांडिंग एक्जम्पशन ऑफ की कोविड ड्रग्स से रिलेटेड एग्जम्पन डिमांड करी है अदर डिसीजन पाइल्ड अप इंक्लूडिंग रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट स्लैब्स करेक्शन ऑफ इनवर्टेड ड्यूटी ऑन सर्टेन आइटम एंड इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अमंग अदर्स तो ये सारा जो एजेंडा है ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जिसमें कि रेशनलाइजेशन ऑफ जी एस टी स्लैब रेट्स या इन्वर्टिव ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जी एस टी के अंडर लाने से रिलेटेड जो बातें हैं वो पहले भी ये न्यूज़ आ चुकी है The law mandates the council to meet at least once a quarter, but the long gap this time has given rise to apprehensions. वैसे तो एवरी क्वार्टर जो है ये काउंसिल मीटिंग होनी है एवरी क्वार्टर होनी थी काउंसिल की मीटिंग लेकिन ये जो गैप है वो काफ़ी लंबा हो गया है छत्तीसगढ़ हेल्थ मिनिस्टर हु रिप्रेजेंट द स्टेट एट द काउंसिल जो कि काउंसिल के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड टोल्ड बिजनेस स्टैंडर्ड को उन्होंने कहा है स्टेट इज़ गोइंग टू राइट टू देंटर फॉर जी एस टी एग्जाम्शन ये भी सभी जो है uh, दोस्तों रिलेटेड uh, है हमारे मेडिकल इक्वमेंट से रिलेटेड एग्जाम्शंस उन्होंने मांगी है शॉर्टेज uh, जो है रेमडीसिविर ड्रग एकरोस द कंट्री छत्तीसगढ़ प्लेस ऑर्डर ऑफ ये सारा जो है आपका यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर जो है सेट स्टेट नीड टू डिस्कस एग्जम्पन ऑफ जी एस टी कंपनसेशन इशू बियउ जुलाई ट्वेंटी टू इन द काउंसिल रूल रिक्वायर इन्होंने भी वही सब बोला है टू मीट वंस इन अ क्वार्टर एंड दिस इज द टाइम टू रिपेयर द जी एस टी रिजीम को रिपेयर करने का ये टाइम है Unless it is done in the formative stage that is less than five years, it will not get repaired. So, here also, states were promised a compensation for five years since GST implementation in July two thousand seventeen to make the revenue shortfall, if any. सिंस टेट लोस्ट ऑटोनोमी ओवर इन टैक्सेस एक्सेस केरला फाइनेंस मिनिस्टर का भी कहना है दैट काउंसिल मस्ट मीट ऑन अर्जेंट प्लेस टू डिस्कस हाउ स्टेट वुड कॉप विद द फाइनेंसिंग इन द पोस्ट कंपनसेशन पीरियड तो यहाँ पे उन्होंने भी सभी स्टेट्स की तरफ से ये डिमांड आई है कि जीएसटी एस काउंसिल की मीटिंग को मिलना चाहिए अब बात आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड ऑफिशियल ने कहा है एट्रीब्यूटेड द डिले टू इलेक्शन इन की स्टेट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था जो डिले हो रहा है, है वो ड्यू टू इलेक्शन इन की स्टेट एंड वेटिंग फॉर गवर्नमेंट्स टू बी फॉर्म्ड और वेट हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बन जाए वी वुड लाइक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट इन द काउंसिल क्योंकि वो चाहते हैं कि हर स्टेट से रिप्रजेंटेशंस हों काउंसिल मीटिंग के अंदर सो इट इज़ बेटर दैट इट टेक प्लेस आफ्टर न्यू गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड इन दोल पाउंड स्टेट्स तो ये बेटर है कि ये कब हो जब नई गवर्नमेंट बन जाए क्योंकि हर स्टेट से वो रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं इस काउंसिल मीटिंग के अंदर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशल्स का जो कहना है एंड द इश्यू ऑफ करेक्शन ऑफ इनवर्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर इन सर्टेन आइटम सजेस टेक्सटाइल फूटवेयर फर्टिलाइजर अमंग अदर्स इज पेंडिंग वो भी अभी पेंडिंग है The decision on correction was deferred in June last year due to COVID. The council has to correct the multi student structure, mobile phone, specified parts by increasing the rate uh, to 18% from 12%. तो वहाँ पे भी कुछ करेक्शंस जो है नीडेड है इन मल्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर जो से रिलेटेड जो ये डिसीजंस है वो भी रिलेटेड है द फिफ्टींथ कमीशन हैडेड बाय एन के सिंह हैज सजेस्टेड रेसनलाइजेशन ऑफ जी इनटू थ्री रेट स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग एट फाइव परसेंट मेरिट रेट रेट बाय मर्जिंग ट्वेल्व एंड एटीन को मर्ज करके एंड ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट दी मेरिट रेट राज्यसभा मेंबर एंड फॉर्मर मिनिस्टर जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट करके ये बताया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है इंपैक्टिंग द वेलफेयर ऑफ स्टेट्स एंड टैक्स पेयर से रिलेटेड जो डिसीजंस है जो रिलीफ जीएसटी के अंदर मिल सकते हैं दे आर स्टिल दे आर पेंडिंग क्योंकि काउंसिल मीटिंग नहीं हुई है पिछले छः महीने से तो बेसिकली दोस्तों इससे क्रक से निकल करके आ रहा है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशल्स हैं जिन्होंने कहा है कि जो डिले है इस ड्यू टू द इलेक्शंस जो कि स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं एंड दे रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट सो दैट कि न्यू uh, गवर्नमेंट जो है वो इसका हिस्सा बन सके तो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड अब तक का अपडेट है ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज जो है वो पूछी जाती है आम तौर पर कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो मोस्टली क्वेरीज़ जो होती है वो काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड होती है तो इसीलिए काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसे ही कोई डेट फिक्स होगी या कोई फर्दर अपडेट आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग